बिहार में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी AES ने कहर बरपा है। जानलेवा बुखार सैकड़ों बच्चों की जान ले चुका है। लोगों में गुस्सा है, सरकार के खिलाफ नाराजगी है। चमकी बुखार से पीड़ित वैशाली के हरिवंशपुर गांव के लोगों ने लालगंज से LJP विधायक राजकुमार साह का घेराव किया। गुस्साई भीड़ ने काफी देर तक विधायक राजकुमार को बंधक बनाकर रखा। वहीं गांव वालों का कहना है कि जानलेवा बुखार से कई बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन विधायक राजकुमार साह ने इतने दिनों तक उनकी सुध नहीं ली। विधायक की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए, जिसके बाद वो हमदर्दी जताने के लिए हरिवंशपुर गांव पहुंचे। हाजीपुर से लोकसभा सांसद और LJP अध्यक्ष रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। हरिवंशपुर गांव पहुंचे पशुपति पारस के खिलाफ भी लोगों ने जमकर नारेबाजी की। नाराज गांव वालों ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाए थे, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तहत पशुपति पारस हरिवंशपुर गांव पहुंचे। दौरा चला रहा था तो हमारा बच्चा हमको बचा था, हमको बचा में मानो तबियत आगे से कुछ नहीं खराब था। एक अचानक एकदम बीमारी एकदम अभी मैंने पकड़ा, चार घंटा के अंदर में हमारा। तो अब ये दवा की क्या जरूरत है आपके परिवार के लिए? दवा की परिवार में तो दवा का भी जरूरत नहीं, हमको तो बच्चे लोग नहीं है तो हमको दवा का कौन जरूरी है। पशुपति पारस ने पीड़ित परिवारों को 5,000 रुपए की आर्थिक और दवाइयां बांटी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा कुछ कम हुआ। वहीं बच्चों की मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए RLSP के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने CM नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। मुजफ्फरपुर के इलाके में मरे हैं, मर रहे हैं, इन मौतों के जिम्मेवार स्वयं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनसे आग्रह है कि नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आपसे संभव नहीं तो इस्तीफा कर दीजिए। आपको बता दें कि हाजीपुर से सटे मुजफ्फरपुर जिले में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम 100 से ज्यादा बच्चों की जान ले चुका है। सैकड़ों बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। सरकार इलाज के पुख्ता इंतजाम का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हालात बेहद जुदा हैं। पटना से नवेंदु सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।